असलकम डर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ औरबिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिका है इट्स मिक्सिंग ऑफ ऑटोमिकर्बिटल्स ऑटोमिकर्बिटल्स हाइब्रिडाइजे प्रोसेस में इंटरमिक्स होते हैं और कुछ नए औरबिटल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम नेम देते हैं हाइब्रिड औरबिटल्स का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर फर्दर बॉड बनाने में इस्तेमाल होते हैं

लेकिन वो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे उनकी इनर्जीज भी सेम होंगी उनकी शेप्स भी सेम होंगी लेकिन उनकी ओरिएंटेशंस यानी उनकी पोजीशन या डायरेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू वन एंड अदर वो क्या होगी डिफरेंट अब हाइब्रिडाइजेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसके इम्पॉर्टेंस की क्या रीज़न है तो रीज़न ये है हाइब्रिडाइजेशन हेल्प टू एक्सप्लेन द शे एंड जोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स अब आपको पता है कि मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स पर मुशतम होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स किस तरह से सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं कैसी शेप बन रही है क्या बॉन्ड एंगल्स हैं तो ये चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लें करने में हेल्पफुल हैं इसलिए केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन की थ्योरी जो थी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कैसे डिवेलप हुई तो दिस थ्योरी वाज डिवेल्प्ड टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन इक्वलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन से मुराद ये है कि कार्बन फोर केमिकल बॉन्ड्स बनाती है और ये फोर केमिकल बॉन्ड्स हैं दे आर इक्ट यानी कि वो एक तरह के होते हैं तो इस चीज को यानी कार्बन की इक्वरेंट डेटावेलेंसी को सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था अब देखिए कार्बन का टॉमिक नंबर है सिक्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू अगर हम इस तरह से शो करें तो देखें एस ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू एस ऑर्बिटल में एंड टू इलेक्ट्रॉन्स टू पी ऑर्बिटल में अब टू पी ऑर्बिटल के अंदर फर्दर थ्री ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं टू पी एक्स टू पी वाई एंड टू पी सी दिस इज़ कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन अब ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन के अंदर आप देखें कि कार्बन के पास टू पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो टू पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने का मतलब क्या है कि कार्बन टू कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो बना सकती है मीन्स इट इज़ डाइवेलेंट। बट बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन टेटावेलेंट है टैटावलेंट मीन्स कार्बन कैन फॉर्म फोर बॉन्ड तो ये फोर बॉन्ड कैसे बनेंगे पॉलिंग एक साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस कहा कि कार्बन का जो टू एस ऑर्बिटल है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाता है टू पी और पी जी ऑर्बिटल में जो कि एम है और हमें यह कॉन्फिग्रेशन हासिल होती है दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिग्रेशन अब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिग्रेशन में आप देखें कि कार्बन हैज फोर पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स सो इट कैन फॉर्म फोर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड इट विल टेट्रावेलेंट अब यहाँ देखिए कि एस ऑर्बिटल जो है वन इन फोर पार्सटिफिल्ड ऑर्बिटल में से वन इज़ एस ऑर्बिटल एंड थ्री आर पी ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल की शेप और इनर्जी पी से क्या होती है डिफरेंट तो अब अगर ये ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुए हैं तो फिर इनमें से एक बॉन्ड जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा जिसमें एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और बाकी कुछ डिफरेंट होंगे लेकिन जब हम देखते हैं इन केस ऑफ मीथेन तो अब देखें दीज फोर बॉन्ड्स आर इक्वलेंट मीन्स कि दे आर सेम टाइप एक ही तरह के हैं तो इट मीन्स कि ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे पोरिंग सुजेस्टेड दैट दीज ऑर्बिट फोर ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड दे प्रोड्यूस फोर न्यू ऑर्बिटल्स

Equivalent होते हैं तो इस तरह से जो बॉन्ड है वे भी क्या होंगे equivalent होंगे। तो इस इस तरीके से hybridization ने कार्बन एटम की equivalent को explain किया। अब hybridization में कम अज कम जो है वो टू ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो सकते हैं अब जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है इसकी नेमिंग इसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनकी नेम नेम रखे गए हैं ओके हाइब्रिडाइजेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स एस पी थ्री एस पी टू एंड एस पी एस पी थ्री में वन एस एंड थ्री पी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे एंड दे विल फॉर्म फोर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ईच ऑफ

एंड दे फॉर्म टू हाइब्रिड ऑरबिटल्स इनमें से हर एक को हम क्या नेम दे रहे हैं एस पी ऑर्बिटल्स का यहाँ आप देखें कि जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे या हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे हमारे पास उतनी ही तादाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो सब एक जैसे होते हैं मीन उनकी शेप भी सेम होगी उनकी इनर्जी भी सेम होगी लेट वी डिस्कस एस पी थ्री हाइब्रिटाइजेशन अब एस पी हाइबिटाइजेशन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन एस एंड थ्री पी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड दे प्रोड्यूस फोर इक्ुफ्रेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब एस पी थ्री जितने भी फोर जो एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे आर डी जेनरेट डी जनरेट मीन्स दे हैव इक्वल इनर्जी ओके लेट सी दिस इज एस ऑर्बिटल दिस इज पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स दिस वन एंड दिस वन एस ऑर्बिटल इज फेरिकल इन शेप दिस इज पी वाई ऑर्बिटल दिस इज पी जी ऑर्बिटल ऑल दिस फोर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज एंड द फॉर्म फोर न्यू ऑर्बिटल्स अब इन ऑर्बिटल्स को हम नेम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अब देखिए ये जो फोर एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इन सब की सेम शेप है ठीक है हर एक ऑर्बिटल जो है वो टू लूप्स पर मुश्तम है एक बड़ा लूप है और एक छोटा सा बिल्कुल ये देखिए इनकी सेम शेप्स हैं और ये चारों ऑर्बिटल्स जो हैं दे विल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर टेट्राहीड्रॉन मीनस ऐसी शेप जिसके फोर कॉर्नर्स हैं एसपी थ्री हैबिटाइजेशन के एग्जाम्पल हम लेते हैं मीथेन मीथेन में सेंट्रल एटम यानी कार्बन इज एस पी थ्री हैबिटाइज दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू एस हॉर्बिटल की एनर्जी लेस होती है फिर पी की उससे कुछ ज्यादा सॉरी वन एस की एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी इसलिए इसको नीचे ड्रा किया हुआ है टू एस की एनर्जी वन एस के मुकाबले में ज्यादा है इसलिए इसको इससे ऊपर ड्रा किया गया है और टू पी की एनर्जी जो है वो टू एस से भी कुछ ज्यादा होती है अब ग्राउंड स्टेट कॉन्फिग्रेशन में आप देखें कि pz और जो है वो एम्प्टी है टू एस से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा टू पी जी के अंदर इस प्रमोशन की वजह से हमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हासिल होती है अब इसमें देखें कि टू एस के अंदर वन इलेक्ट्रॉन टू पी एक्स के अंदर वन इलेक्ट्रॉन टू पी वाई वन इलेक्ट्रॉन एंड टू पी जी वन इलेक्ट्रॉन सो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ऑल दीज फोर ऑर्बिटल्स यानी टू एस टू पी एक्स टू पी वाई एंड टू पी जी दे विल इंटरमिक्स और ब्लेंड एंड फॉर्म फोर न्यू ऑर्बिटल्स एस पी थ्री अब देखिए फोर ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए हैं और फोर ही नए ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हो गए हैं ये ये ऑर्बिटल्स हुए हैं इनकी सेम इनर्जी है और इनमें से हर एक को हम नेम दे रहे हैं एस पी थ्री का अब इलेक्ट्रॉनिक देखें कि टोटल हमारे पास फोर इलेक्ट्रॉन थे और हर एक एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल में वन वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा अब ये देखें s ऑर्बिटल एंड दीज थ्री पी ऑर्बिटल्स द इंटरमिक्स एंड आर प्रोड्यूसिंग एस थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द एंगल बिटवीन एनी टू एस टू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री एंड दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन अब इथ दिस बॉन्ड विल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन जब मीथेन बनता है तो कार्बन के ये जो कार्बन के पास से जो फोर एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड बनाने में किस तरह से अब देखिए दीज आर एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ईच एस पी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद वन एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर क्या है वन तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है वन एस वन मीन्स हाइड्रोजन के पास जस्ट एस ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल आपको पता है स्पेरिकल शेप का होता है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन तो ये एस ऑर्बिटल कार्बन के एस पी थ्री ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड इस तरह से ये हाइड्रोजन इस एस पी थ्री एस और हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल जो है इस एस पी थ्री ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा ये वाला जो है ये इसके साथ करेगा ये जो है वो इसके साथ करेगा और ये शेप जो है वो बन जाएगी जिसमें देखें सेंटर में जो है वो कार्बन एटम है और इसकी चारों साइड पे हाइड्रोजन एटम्स जो है वो लगे हुए हैं तो ये ड्रॉन शेप जो है वो बन रही है मीन्स जिसके फोर कॉर्नर्स हैं वन टू थ्री एंड फोर और कोई से भी दो बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है दैट इज वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया और वाटर में भी मौजूद है अमोनिया में सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन और वाटर में सेंट्रल आइटम ऑक्सीजन जो है दे आर एस पी थ्री हाइब्रिटाइज इस तरह से इथीन, सॉरी इथेन के अंदर भी हाइड्रोजन इथेन uh, so, uh, के अंदर भी एस पी थ्री हाइब्रिटाइजेशन जो है वो मौजूद है नो लेट वी डिस्कस द नेक्स्ट टाइप दैट इज एस पी टू हाइब्रिटाइजेशन एस पी टू मीन्स इन दिस प्रोसेस टू पी and one s orbital will involve and three sp2 hybrid orbitals are produced. These sp2 hybrid orbitals are arranged in the form of a trigonal planar structure with mutual bond angle of 120 degree. Now this is s orbital. These are two p orbitals. सो ऑल थ्री ऑर्बिटल एंड दे प्रोड्यूस थ्री न्यू ऑर्बिटल्स ठीक है दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ देखें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम शेप दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेन्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर अब देखें देखे, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो बन रही है ये अब एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल है इथीन दैट्स फार्मूलाइज सी टू एच फोर ठीक है दिस इज डाउन स्टेट कॉन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन दिस इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन अब एक्साइटेड स्टेट में आप देखें हमारे पास फोर ऑर्बिटल्स हैं जो कि पार्शली फिल्ड हैं अब इन फोर में से थ्री ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में दिस टू एस एंड दिज टू पी एक्स एंड टू पी वाई इंटरमिक्स एंड फॉर्म थ्री एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाइल दिस टू पी सी ऑर्बिटल इज अनहेबिटाइज्ड ये हेबिटाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता ठीक है सपोज दिस इज कार्बन एटम this is sp2 hybrid orbital sp2 and sp2 and this is z orbital of carbon that is unhybridized this unhybridized orbital is perpendicular to the plane of sp2 hybrid orbital sab dekhiye in dono ke darmiyan या इसके और इसके और इसके दरमियान या इसके और इसके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का सो so, इथीन जब बनती है तो इस कार्बन का एस पी टू दूसरी कार्बन के एस पी टू के साथ ओवरलैप करेगा इसी तरह से इस कार्बन के ये दो जो दो एस पी टू हैं इनमें से हर एक जो है हाइड्रोजन के वन एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और ये दो एस पी टू जो हैं ये भी हाइड्रोजन के वन एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो इस तरह से ये जो है वो बनती है जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है दिस इज सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन दैट इज फॉर्न बाय द एस पी टू एस पी टू ओवरलैप अब देखिए वन इलेक्ट्रॉन जो है ये इस कार्बन का है इस एस पी थ्रू हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद था ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद था तो जब ओवरलैपिंग होती है तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको दोनों कार्बन शेयर करेंगे और इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट इज कार्ल्ड एज सिग्मा बॉन्ड इसी तरह से देखें यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इसी तरह से यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान और ये जो है ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है अब इन ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी और ये भी ये कितना होगा वन ट्वेंटी डिग्री अब ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं एक ये और एक ये ये एन हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और इस पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कार्ड एज पाई बॉन्ड तो इस तरह से इथीन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड है दैट इज़ फॉर्न बाय द पैरेलल ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स इसको हम यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं कि देखें दीज आर थ्री एस पी टू ऑर्बिटल्स दिस वन इज अनहेबिडाइज टू पी सी ऑर्बिटल तो जब ये ये कार्बन के ऑर्बिटल्स शो किए गए हैं ऐसे ही जब ये दूसरी कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो ये ऑर्बिटल जो है वो दूसरी कार्बन के एस पी टू के साथ ओवरलैप करेगा और ये एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने से सिग्मा बॉन्ड बनेगा ठीक है ये ऑल दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स अब ये जो अनहैब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ दीज सिग्मा बॉन्ड्स ठीक है ये मालिकुलर प्लेन है और आप देखें कि ये इसके और अनहैब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना है 90 का तो ये इसके क्या है परपेंडिकुलर लेकिन ये दोनों पी और बिटल्स जो हैं ये एक दूसरे के क्या है पैराल तो ये पैरालल वे में ओवरलैप करेंगे यानी इस तरह से और इस तरह से तो इस ओवरलैपिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन तो हमें इस तरह से जो है वो इथिन मालिक्यूल जो है वो नजर आएगा नेक्स्ट वन इज एस पी हाइब्रिटाइजेशन तो एस पी हाइब्रिटाइजेशन में स्टूडेंट्स वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस टू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एट एन एंगल ऑफ वन एटी डिग्री सो दिस इज वन एस ऑर्बिटल दिस इज टू पी ऑर्बिटल दे विल इंटरमिक्स एंड प्रोड्यूस two new orbitals. This is sp orbital. This is also sp orbital. ab dekhiye अब देखें कि दोनों एस पी ऑर्बिटल जो है दे हैव सेम शेप अब ये आपस में कैसे रेंज होते हैं एक लीननेस स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक है और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कितन, दो angle है वो कितना है 180 degree. डिग्री एस पी हेबिटाइजेशन की एग्जाम्पल जो है दैट इज इथाइन जिसको हम एस भी कहते हैं अब इथाइन के केस में क्या होता है कि सपोज दिस इज वन कार्बन ये उसकी एक्साइटेड स्टेट है अब यहाँ जस्ट टू ऑर्बिटल्स यानी वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल दे विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रोड्यूस टू एस पी ऑर्बिटल्स वाइल टू पी वाई एंड टू पी जी रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड दीज अनहेबिडाइज ऑर्बिटल्स Are perpendicular to the SP orbitals so this this is showing carbon and these two are hybridized orbital of carbon while this is PY orbital and this one is PZ orbital both these orbitals are not involved in hybridization जब ये कार्बन दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी तो ये एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी कार्बन के एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा ये एस पी ऑर्बिटल्स जो है हाइड्रोजन के वन एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा ये एस पी ऑर्बिटल्स जो है ये दूसरे हाइड्रोजन के वन एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा इस तरह से देखें कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान क्या प्रोड्यूस होगा सिग्मा बॉन्ड ये बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन और ये बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन अब देखें हर कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अब दिस वन इज टू पी ऑर्बिटल तो ये क्या करेगा टू पी वाई ऑर्बिटल की दूसरी कार्बन के टू पी वाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा ऊपर से भी और नीचे से भी इसी तरह से आप देखें ये जो दूसरे वाला अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है दिस वन ये आपस में ओवरलैप करेंगे इधर से भी और इधर से भी तो एक पाइबॉन हमारे पास जो है वो पी वाई पी वाई ओवरलैप से बनेगा एक पाइबॉन हमारे पास पी जी पी जी ओवरलैप से बनेगा इस तरह से इथाइन जो है वो या याटाइलिन जो है वो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी अब देखें दे, यहां इनकी लीनियर स्ट्रक्चर शो की गई है अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से एक कौन सा है सिग्मा बॉन्ड जबकि ये कौन दो बाकी दो जो हैं ये हैं पाई बॉन्ड अब दिस बॉन्ड एंग दिस एंगल इज वन एटी डिग्री ऑल द फोर एटम्स आर ज्वाइन इन वन लाइन यानी लीनियर स्ट्रक्चर है एसी की ये डायग्राम जो है फर्दर एक्सप्लेन कर रही है कि ये पी वाई ऑर्बिटल्स इस तरह से ओवरलैप करेंगे ये इस तरह से ऐसे ही जो पी ऑर्बिटल है ये फ्रंट साइड से और यूं बैक साइड से इनके लूप्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे और इस तरह से जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो हैं वो नजर आएंगे अब क्या है कि जो पी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये अब द प्लेन एंड ब्लो द प्लेन और फ्रंट साइड से और बैक साइड से कार्बन एटम्स को जो है वो अपने घेरे में ले लेता है और हमें कार्बन एटम की शेप देखने में जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगी ठीक है अब देखेंगे ये, ये जो है ये सारा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और मालिक्यूल की जो क्या है लीनियर सो स्टूडेंट्स इट वॉज़ आल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आप ग्रुप में उसके क्वेश्चंस पोस्ट कर दें मैं आपको आंसर कर दूँगी ओके अल्लाह हाफिज़